हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का आज का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट हम लोग की बात हो रही है, वो सब्जेक्ट है जनरल एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इक्विपमेंट्स। उस सब्जेक्ट में आज हम लोगों का जो टॉपिक है फर्स्ट एड किट इन पैथोलॉजी। पैथोलॉजी चूंकि हम लोगों ने देखा था, जब डिफिनेशन से पता चल रहा है कि स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज का मतलब हो गया कि वहां पे वेरियस टाइप्स के आपके टॉक्सिक रिएजेंट्स, टॉक्सिक स्पेसिमेन, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, बहुत सारे वर्कर्स वहां पर एक साथ काम कर रहे हैं। कोई भी पैथोलॉजी है वह एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर काम करने वाले 1 से 2 से 3 से 4 से ज्यादा लोग रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वहां पे हजारडियस केमिकल्स, रिएजेंट्स, ये सब वहां पर है। स्पेसिमेन है, बहुत सारे स्पेसिमेन जो होते हैं वो एक्सीडेंट के कारण हो जाते हैं। रिएजेंट्स, केमिकल जो हम हैंडल कर रहे हैं, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है वहां पर, लेबोरेटरी एक्सीडेंट हो सकते हैं जिसमें जो वहां पे काम करने वाला स्टाफ है, जो वहां पे काम करने वाले लोग हैं, वो इंजर्ड हो सकते हैं, कहीं ना कहीं से उनको चोट लग सकती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमें नीड होती है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड किट ये तो खैर एक ऐसी चीज है कि जो हर एक जगह पर अवेलेबल रहनी चाहिए, चाहे वो पैथोलॉजी हो, हॉस्पिटल्स हैं, आपके कोई भी ऑफिस, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्कूल्स हैं, कुछ भी है, तो वहां पर एक तरीके का फर्स्ट एड किट होना चाहिए। लेकिन पैथोलॉजी में भी ये बहुत ही अहम होता है, क्योंकि वहां पर जब काम करने वाले लोग होते हैं इंजर्ड हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास तो एक सेकेंडरी चीज है उनको पहुंचना, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले पहले उस पर्सन को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वहां पर मिलना जरूरी है। इसके लिए हमारी लेबोरेटरी में फर्स्ट एड किट बॉक्स का होना मस्त है। फर्स्ट एड किट बॉक्स जो हमने बनाया हुआ है पैथोलॉजी के लिए, उसमें कौन कौन से नेसेसरी हमें उसमें थिंग्स रहनी चाहिए, कौन कौन से उसमें केमिकल्स हैं, कौन कौन से उसमें और भी सब चीजें हैं जो कि फर्स्ट एड किट बॉक्स में मेंशन करना चाहिए। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, फर्स्ट एड किट इन पैथोलॉजी। द लेबोरेटरी फर्स्ट एड किट कंटेन्स क्या क्या होना चाहिए। नंबर वन, कॉटन वूल एंड गॉज स्प्रिट, स्प्रिट होना चाहिए, पट्टी होनी चाहिए और रूल कॉटन होना चाहिए, रोलर बैंडेज, मेडिसिनल एडिसिव टेप, सीजर, वन पेयर यानी कि पेयर ऑफ सीजर होना चाहिए, टिंचर आयोडीन होना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, स्टेराइल सलाइन होना चाहिए। डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन यहाँ पे आप डिटॉल साबुन का यूज कर सकते हैं, उसका डायल्यूट करके उसको यूज कर सकते हैं। 2% वेट बाई वॉल्यूम सोडियम कार्बोनेट, 8% वेट बाई वॉल्यूम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, 5% वेट बाई वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड और 5% वेट बाई वॉल्यूम सोप सॉल्यूशन होना चाहिए। ये इतनी चीजें वहां पर मौजूद होनी चाहिए ताकि कोई पर्सन, कोई इम्प्लाई, हमारा कोई साथी अगर वहां पे इंजर्ड हो रहा है तो हम वहां पे एडवांस उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके, उसके बाद एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, हम नियरेस्ट डॉक्टर पे कॉन्टेक्ट में आके उस पर्सन का ट्रीटमेंट वहां पर स्टार्ट करें। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि रिएजेंट्स हमारे ऊपर स्प्लैश कर जाते हैं, छलक जाते, गिर जाते हैं। बहुत सारे केस में क्या होता है, रिएजेंट्स को स्टाफ जो है वो इनहेल कर लेता है। हालांकि पैथोलॉजी लेबोरेटरी में माउथ पिपेटिंग बहुत ही डेंजरस है और ये टोटली बैन होनी चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन का जो सुपरवाइजर है उसको इस बात पर रखना चाहिए कि कोई भी इम्प्लॉई माउथ पिपेटिंग अगर कर रहा है तो बहुत ही केयर से कर रहा है। पहली बात तो प्रिकॉशन ही ऐसा होना चाहिए अरेंजमेंट की माउथ पिपेटिंग ना हो, बाई में किसी कंडीशन में अगर ये हो रहा है तो बहुत ही एडवांस और जो एक्सपर्ट टेक्नीशियन हो उसी को परमिशन होनी चाहिए, लेकिन साथ में बहुत ही केयर की जरूरत होती है। किसी ऐसे केस में उसने इनहेल कर लिया, कोई स्पेसिमेन ही इनहेल कर लिया, कोई रिएजेंट केमिकल इनहेल कर लिया, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर के पास जाने में टाइम लगता है 10 से 15-20 मिनट, लेकिन उससे पहले पहले हमको उस पर्सन को फर्स्ट एड किट के थ्रू फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट देना मस्ट है। तो इसलिए ये सारी की सारी चीजें हमारी लेबोरेटरीज में होना मस्ट है। अब लेबोरेटरी में अगर वर्क कर रहे हैं तो इंसिडेंट भी होने के चांसेस होते हैं, कई तरीके के एक्सीडेंट भी होने के चांसेस होते हैं,
तो किस तरीके से कौन कौन से ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, और अगर वो एक्सीडेंट हो जा रहे हैं तो हम उस एडवांस उस एक्सीडेंट के अगेंस्ट में जो जो पर्सन हमारा जो इम्प्लाई इंजर्ड हुआ है उसको हम कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। एक एक्सीडेंट ऐसा है कॉन्टैक्ट विथ कोरोसिव केमिकल्स एंड रिएजेंट। लेबोरेटरी में बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारे रिएजेंट्स यूज होते हैं जो, और उसमें से भी बहुत सारे रिएजेंट्स केमिकल ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्वलनशील होते हैं। अगर किसी पर्सन को कोई इम्प्लाई ऐसा हुआ कि वो इसके कांटेक्ट में आ गया, यानी कि उसका एक्सीडेंट ऐसा हो गया कि उसके ऊपर ये केमिकल ये रिएजेंट बर्न कर सकता है, तो ऐसे में उस पेशेंट उस इम्प्लाई को हम उस पर्सन को कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। इसमें सबसे पहले है एक्सीडेंट की बात अगर हम करते हैं तो एसिड स्प्लैशेस ऑन स्किन, अगर किसी इम्प्लाई के हाथों में किसी इम्प्लाई के ऊपर अगर इस एसिड गिर जाता है तो ऐसे कंडीशन में हम वहां पर क्या करेंगे, वॉश अफेक्टेड एरिया, वॉश अफेक्टेड एरिया स्किन विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, बाथ द अफेक्टेड स्किन विथ कॉटन वूल इन 5% सोडियम कार्बोनेट, अगर कोई इम्प्लाई के ऊपर इस एसिड गिर जाती है, कोई भी एसिड गिर जाता है, तो सबसे पहले हमको ये करना है कि उसके उस एरिया को अच्छी मात्रा में ज्यादातर मात्रा में पानी का यूज करते हुए उसको अच्छे से वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद हम वहां पर सोडियम कार्बोनेट जो 5% सोडियम कार्बोनेट रहेगा उसको कॉटन में लगा के उसके उस एरिया को अच्छे से बातें वॉश करेंगे ताकि वहां पर एसिड का जो अफेक्टेड है एसिड का जो अफेक्शन है वो कम हो सके, उसके बाद उसको एज सून एज पॉसिबल डॉक्टर के पास उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाना है। दूसरा एक्सीडेंट अल्कलाइन अल्कली स्प्लैशेस ऑन स्किन, अगर वहां पर किसी पर्सन पर अल्कली गिर गया अल्कलाइन गिर गया है तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, यहां पर वॉश अफेक्टेड एरिया स्किन विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, यहां पर भी उसके उस पोर्शन पे जहां पर अल्कलाइन गिरा हुआ है उसको अच्छे से वॉश करेंगे, उसके बाद द अफेक्टेड स्किन विद कॉटन वूल इन 5% एसिटिक एसिड, वहां पर हमने
क्या यूज किया था? सोडियम कार्बोनेट यूज किया था, यहां पर एसिटिक एसिड यूज करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट किस तरीके से समझ लीजिए कि अगर हमारे ऊपर एसिड गिर जा रहा है, एसिड हमारे ऊपर गिर गया है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने सोडियम कार्बोनेट यानी कि अल्कली को यूज किया, और अगर अल्कली हमारे ऊपर गिर जा रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके असर को खत्म करने के लिए हमने एसिड को यूज किया। नेक्स्ट एक्सीडेंट, कॉन्टैक्ट विथ फिनॉल। कॉन्टैक्ट विथ फिनॉल, वॉश द अफेक्टेड एरिया, वॉश द अफेक्टेड एरिया विथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज पॉलीथिलीन ग्लिसरॉल mixed with water for further irrigation of affected skin. Affected skin. See, next, contact to physician. अगर फिनॉल के कांटेक्ट में आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में भी उस एरिया को ज्यादा मात्रा में अच्छे से टैप वाटर के थ्रू वॉश करना है। टैप वाटर यानी कि टोटी के नीचे उस एरिया को लगा देना है और लगातार पानी को ओपन कर देना है, उस एरिया को अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद पॉलीथिलीन ग्लिसरॉल यानी पीईजी, इसको वाटर के साथ मिक्स करके उस एरिया पर लगा देते हैं ताकि स्किन में ज्यादा इरिगेशन की प्रॉब्लम ना होने पाए, और उसके बाद एज सून एज पॉसिबल डॉक्टर या फिजिशियन को हम लोग कंटेक्ट करेंगे। ये तो बात हो गई कुछ ऐसे केमिकल्स की जो हमारे ऊपर स्प्लैशेस हो सकते हैं। लेबोरेटरी में काम करते हुए इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हमने बात किया तो वहां पर सबसे पहले जो हमारी केयर की जो बात होती है तो ग्लास वेयर्स भी होने जाती है, यानी कि चश्मे को भी यूज करना होता है। किस ऐसे हुआ कि हम किसी कारण की वजह से वहां पर ग्लास यूज नहीं कर पाए, ऐसे में अगर हमारे साथ आई एक्सीडेंट हो जाता है यानी कि हमारी आंखों में कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर एसिड हो सकता है, गली हो सकता है, या कुछ भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने की वजह से वहां पर गिर सकता है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? क्योंकि आई बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स है हमारे बॉडी की, उसको मेंटेन रखना, उसको केयर रखना, ये केयर करके रखना, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एक्सीडेंट, बर्न ऑफ आई,
बर्न ऑफ आई बाई एल्कली और एसिड, एल्कली और एसिड आर एमंग द मोस्ट अर्जेंट most urgent ocular emergency. Alkali burns are more dangerous than acid. एक्सीडेंट में यह तो एल्कली बर्न होगा या एसिड बर्न होगा, हमारी आंखों में अगर इस तरह कोई एक्सीडेंट, तो ये हमारे लिए ऑक्यूलर इमरजेंसी की बात होती है, आंख को बचाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम वहां पर उठाना पड़ता है। ऐसे में हमने ये देखा है कि अगर एल्कली बर्न होता है तो ये ज्यादा डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू एसिड के। एसिड अगर गिर जाता है तो वहां पे जख्म होने के चांसेस कम होते हैं, इंजर्ड होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अल्कली में वो ज्यादा डेंजरस पोजीशन क्रिएट हो जाती है। अब हम यहां पर देखेंगे कि अगर हमारी आंखों में एसिड या अल्कली स्प्लैशेस हो जा रहा है, गिर जा रहा है हमारी आंखों में, तो हम वहां पर उसको बचाने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फर्स्ट एड में ट्रीटमेंट में क्या करेंगे। Immediately wash the eye with plenty of water by holding a part of eyelid manually. Rinse the eye with sterile saline. Contact to eye अगर हमारे आंखों में एसिड या एल्कली गिर जाता है, ऐसे केस में हम एक मैनुअली अपने हाथ से आंखों की एक आईलिड को वो पकड़ेंगे और उसको टैप वाटर के नीचे उसको लगा देंगे, यानी कि ऐसा कुछ रहेगा कि वहां पर पानी अच्छे से गिरे। टैप वाटर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो एक वॉशिंग बॉटल होती है, उससे हम लोग वहां पर उसको अच्छे से वॉश करने की कोशिश करेंगे। आई लीड को पकड़े रहेंगे और ऊपर से पानी गिरता रहेगा, इससे वहां पर जो भी एसिड या एल्कली है वो वहां से वॉश आउट होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद उसको स्टराइल सैलाइन से उसको उस आंख को अच्छे से वॉश करेंगे, बार बार उसको रिंस करेंगे। उसके बाद एज सून एज पॉसिबल
आई फिजिशियन यानी ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को कॉन्टैक्ट करेंगे। नंबर थर्ड एक्सीडेंट है कोई कोरोसिव या पॉइजनस मटेरियल या रिएजेंट से केमिकल्स हमने इनहेल कर लिया, यानी अपने गले से उसको नीचे उतार दिया। ये भी एक बहुत ही डेंजरस एक्सीडेंट होता है। अगर किसी लैब में किसी एम्प्लॉई के साथ ऐसा हो गया है तो ये हम कैसे वहां पर प्रिकॉशनली उसका ट्रीटमेंट करेंगे। मोस्टली इस तरीके का एक्सीडेंट वहां पर होता है जहां पर माउथ पिपेटिंग होती है। तो माउथ पिपेटिंग इज वेरी डेंजरस प्रोसेसिंग इन द लेबोरेटरी। माउथ पिपेटिंग को टोटली अवॉइड करना चाहिए लेबोरेटरी में, क्योंकि वहां पे जो रिएजेंट्स हैं, जो केमिकल्स हैं, जो स्पेसिमेन है वो बहुत ही हैजार्डस होते हैं, खतरनाक होते हैं, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर गलती से एक्सीडेंटली ऐसा कुछ हो जाता है कि हमारे यहाँ जो काम करने वाला एम्प्लॉई है वो कुछ पॉइजनस रिएजेंट अगर इनहेल कर लिया है, उसको उसने ले लिया है, गले के अंदर ले लिया है, तो ऐसे कंडीशन में तुरंत उसको स्पिट आउट, उसको थूकना है बाहर में, तुरंत इमिडिएटली उसको थूकना है, अच्छे से अपने उस पूरे माउथ को अच्छे से वॉश आउट करना है, बार बार उसको पानी लेके बार बार उसको स्पिट आउट करना है, उसको रिंस करना है। उसके बाद उस एम्प्लॉई को वार्म सॉल्ट वाटर देना है। वार्म सॉल्ट वाटर यानी एक गिलास पानी में 1 टीस्पून या 2 स्पून हमने सॉल्ट डाल दिया, तो पानी वो गर्म रहे और उस पेशेंट को पिला देना है। ऐसे कर देने से उस पेशेंट को वोमिटिंग की टेंडेंसी होती है और वो पेशेंट वोमिट कर देता है। ऐसे में वोमिट कर देने से जो भी उसने इनहेल किया है वो चीजें वो पोर्शन बाहर आ जाएगा, जिससे उसको नुकसान होने के चांसेस कम है। ये प्रोसेस जब भी आपको ये लगे कि फैमिली मेंबर्स में किसी ने कुछ इस तरीके की चीजें इनहेल कर लिया है, आप उसको वोमिटिंग करने के लिए वार्म सॉल्ट वाटर, 1 ग्लास वार्म सॉल्ट वाटर आप दीजिए, वो वोमिट कर जाएगा, इससे उसको डेंजरस कंडीशन से वो नॉर्मलाइज की ओर बढ़ सकता है। Thank you.
ऐसा कुछ हो सकता है कि पेशेंट का जो स्पेसिमेन है जो कि बहुत ही इन्फेक्शस होता है, वो किसी कारणवश किसी ऐसी भूल चूक से गलती से एम्प्लॉई ने अगर उसको स्मेल कर लिया है, उसको माउथ में ले लिया है, तो ऐसे कंडीशन में हमको वहां पर क्या करना होगा? स्पिट आउट इमीडिएटली, बाहर तुरंत उसको थूकना है। वॉश द माउथ विथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, रिंस द माउथ विथ टैप वाटर। अगर इम्प्लाई ने इंफेक्शन स्पेसिमेन को इनहेल कर लिया है तो उसको तुरंत उसको थूकना है, तो उसके बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वो बार बार अपने माउथ को रिंस करेगा और उसके बाद टैप वाटर से नॉर्मल नॉर्मल डिस्टिल वाटर से या टैप वाटर से उसको वो बार बार उसको स्पिट आउट करेगा, रिंस करेगा। ऐसे में वहां पर इंफेक्शन स्पेसिमेन का असर इफेक्ट खत्म हो सकता है। माउथ पिपेटिंग में कुछ केयरलेस होने की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से, किसी और कारण की वजह से अगर कुछ कोरोसिव रिएजेंट्स भी एम्प्लॉई अपने मुंह में ले सकता है, तो ऐसे कंडीशन वो कोरोसिव रिएजेंट या तो एसिडिक होगा या तो एल्कलाइन होगा। ऐसे कंडीशन में हमको फर्स्ट एड किट में वहां पर क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एसिड। अगर एम्प्लॉई ने एसिड को ले लिया है तब उसको एसिड को इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? प्रॉपरली वॉश या रिंस द माउथ विथ टैप वाटर। एंटीडोट सच एज 5% सोप सॉल्यूशन, 8% मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, 500 ml water can be used orally for neutralize the effect of acid। अगर किसी एम्प्लॉई ने गलती से एसिड को माउथ में ले लिया, इनहेल कर लिया है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि उसके माउथ को प्रॉपर तरीके से वॉश करना है, यानी कि अच्छे से उसको बार बार उसको
पानी लेना है, स्पिट आउट करना है, पानी लेना है, स्पिट आउट करना है। उसके बाद एंटीडोट, एंटीडोट में क्या है कि जैसे साबुन का सोल्यूशन है 5% सोप सोल्यूशन, 1% मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या जो अंडा होता है, एक होता है उसका जो व्हाइट पार्ट होता है उसको डिजॉल्व कर लेंगे 500 ml वाटर में और उसको पेशेंट को देंगे। तो ये क्या करेगा, उस एसिड के इफेक्ट को खत्म करने का काम करेगा। अगर एल्कली ले लिया है तब क्या होगा, एल्कली लेने की कंडीशन में इसमें भी सबसे पहले प्रॉपर तरीके से वॉश करना है माउथ को, और यहां पर भी यूज करेंगे एंटीडोट सच एज लेमन जूस, सच एज लेमन जूस ORR 5% एसिटिक एसिड, 5% एसिटिक एसिड कैन बी यूज फॉर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ अल्कली, अल्कली कॉन्टैक्ट द फिजिशियन, कॉन्टैक्ट द फिजिशियन। ये कुछ एक्सीडेंट है जो किसी कारणवश अगर हमारे लेबोरेटरी में होते हैं तो, और वहां पर हमको एडवांस फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना है तो हमको ये वहां पर करना है। नेक्स्ट एक्सीडेंट कॉन्टैक्ट ऑफ लिप एंड टंग कॉन्टैक्ट ऑफ लिप एंड टंग विथ कोरोसिव एजेंट, विथ कोरोसिव एजेंट। हमारी होंठ और जब जीभ ये किसी कोरोसिव एजेंट के उसमें टच हो गया तब वहां पर हम कैसे क्या करेंगे फर्स्ट एड के तौर पे, हमें नुकसान वहां पर कम से कम हो। यहां पर भी एसिडिक या अल्कली ही रहेगा तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर अल्कली टच हो जा रहा है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इमीडिएटली रिंस इन टैप वाटर, इमीडिएटली रिंस इन टैप वाटर बाथ द अफेक्टेड पार्ट अफेक्टेड पार्ट इन 5% एसिटिक एसिड, 5% एसिटिक एसिड। और अगर एसिड हो जा रहा है, एसिड से अगर वहां पे कॉन्टैक्ट हो जा रहा है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां पर इमीडिएटली रिंस इन टैप वाटर, रिंस इन टैप वाटर
वेट द अफेक्टेड पार्ट इन 2% सोडियम कार्बोनेट की आपके दो एक्सीडेंट और थे लिप और टंग अगर कांटेक्ट में आ जाते हैं किसी भी कोरोसिव एजेंट के तब उस कंडीशन में हमको क्या करना होगा इसके आगे नेक्स्ट है इंजरीज कास्ट बाई ब्रोकन ग्लास। जनरली लेबोरेटरी में जो ग्लासवेयर्स होते हैं वो या तो जो वेयर्स यूज होते हैं वो या तो ग्लासवेयर्स होते हैं या प्लास्टिक वेयर्स होते हैं। यहाँ पे प्रिकॉशनली क्या हो, जो भी ग्लास लेयर्स होते हैं अगर वो ग्लास लेयर्स कुछ भी ग्लास जो है ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है या अफेक्टेड हो जा रहा है तो एटवंस उस ग्लास लेयर्स को वहां से रिमूव कर देना चाहिए, उसको डिस्कार्ड कर हटा देना चाहिए, वहां से वो यूज नहीं करना चाहिए। बाई जो किसी कारणवश ऐसी इमरजेंसी हो जाती है अगर हमने इसको यूज कर लिया या वो ग्लास ब्रेक होते ही हमको इंजर्ड कर दे रहा है तो ऐसे कंडीशन में वहां पर हमको क्या करना होगा, वॉश द वाउंड जस्ट इमीडिएटली विद डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। Disinfected solution. Cover the gauze and adhesive tape. इसके बाद next accident होता है bleeding का। इसी कारणवश अगर bleeding होने लगती है तो उस condition में हमें क्या करना है, पेशेंट को लिटा देना है, मेक द पेशेंट ले डाउन, ट्राई टू स्टॉप ब्लीडिंग, अप्लाई द प्रेशर, वहां पर प्रेशर से उसको दबा के रखेंगे, हो सकता है कि उससे वो ब्लीडिंग रुक जाए। अप्लाई द प्रेशर टू द वाउंड विथ स्टेलाइज पैड क्लीन द अफेक्टेड एरिया बाय यूजिंग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंड अप्लाई गाज एंड बैंडेज। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को हम वहां पर पहले लिटा देंगे, उसके बाद जहां पर ब्लीडिंग हुई है उस पर एक स्टरलाइज पैड रखेंगे और उसको प्रेस करने की कोशिश
करेंगे कि प्रेशर देने से हो सकता है वो ब्लीडिंग रुक जाए। फिर उसके बाद वहां पर उस अफेक्टेड एरिया को अच्छे से क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, और फिर वहां पर एक उसी गाज और बैंडेज करके उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग कर देते हैं। ये कुछ फर्स्ट एड किट और एक्सीडेंट में फर्स्ट एड मेजरमेंट था। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंस्ट्रूमेंटेशन पोर्शन यहाँ शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले स्टरलाइजेशन की बात होगी। ये हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।